दोस्तों, वर्ब तीन फॉर्म में पाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक वर्ब होती है अवेक, मतलब होता है जागना। सेकंड फॉर्म होती है अवोक, थर्ड फॉर्म होती है अवोक। नेक्स्ट वर्ब है बिकम, बिकम माने बनना, होना। सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। एक वर्ब होती है बिगिन, शुरू करना। सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। एक वर्ब है कम, कम मतलब आना। सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम। डिग, डिग मतलब होता है खोदना। सेकंड फॉर्म होती है डग, थर्ड फॉर्म भी होती है डग। ड्रिंक होता है पीना, सेकंड फॉर्म में ड्रैंक और थर्ड फॉर्म में ड्रंक। फाइट मतलब होता है लड़ना, सेकंड फॉर्म हो जाती है फॉट, थर्ड फॉर्म होती है फॉट, फाइट फॉट फॉट। फाइंड मतलब होता है पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड। गेट मतलब भी होता है पाना, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म होता है गॉट। ग्रिंड होता है पीसना, सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड। होल्ड होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड। रिंग होता है बजना या बजाना, दोनों सेंस होते हैं इसके। सेकंड फॉर्म रैंग होता है और थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग। रन होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन। शाइन, शाइन होता है चमकना, सेकंड फॉर्म होता है शोन, थर्ड फॉर्म भी होता है शोन। सिट बैठना, सेकंड फॉर्म होता है सैट, थर्ड फॉर्म भी होता है सैट। स्विम होता है तैरना, सेकंड फॉर्म स्वैम, थर्ड फॉर्म स्वम, स्विम स्वैम स्वम। विन, विन मतलब होता है जीतना, सेकंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म भी वन, विन वन वन। आगे देखते हैं दोस्तों, अराइज मतलब होता है उठना, सेकंड फॉर्म होता है अरोज, थर्ड फॉर्म होता है अराइजन। बियर होता है सहन करना, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न। ब्लो होता है हवा चलना, सेकंड फॉर्म ब्लू, थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बीट होता है पीटना, सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है, थर्ड फॉर्म बीटन। चूज होता है चुनना, सेकंड फॉर्म चोज, थर्ड फॉर्म चूजन, चूज चोज चोजन। डू माने होता है करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डिड डन। ड्रॉ होता है खींचना, मतलब कोई पेंटिंग टाइप से ड्रॉ करना, बनाना। सेकंड फॉर्म होता है ड्र्यू, थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। ईट होता है खाना खाना, सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। फॉल होता है गिरना, जनरली फॉल माने गिरना होता है, लेकिन जब लिखा हो फॉल इन लव तो प्यार होना, प्यार में पड़ जाना, है ना, इस तरह से अंग्रेजी थोड़ा बदल जाती है। तो फॉल होता है गिरना, सेकंड फॉर्म फैल, थर्ड फॉर्म फॉल इन। फ्लाई, फ्लाई के दो अर्थ होते हैं, उड़ना भी और उड़ाना भी। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो फ्लाई, और हम पतंग उड़ाते हैं तब भी फ्लाई।
सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन. फॉरगेट भूलना, सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरगॉटन. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. फॉरबिड होता है मना करना, सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबेड, थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन. गिव, गिव मतलब होता है देना, सेकेंड फॉर्म होता है गेव एंड थर्ड फॉर्म होता है गिवन. गिव, गेव, गिवन. ग्रो माने उगना होता है, सेकेंड फॉर्म होता है ग्रू, थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन. गो मतलब जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. गो, वेंट, गॉन. हाइड होता है छिपना या छिपाना, सेकेंड फॉर्म हिड होता है, थर्ड फॉर्म हिडन. नो मतलब जानना, सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, थर्ड फॉर्म होता है नोन. लाई मतलब होता है लेटना, सेकेंड फॉर्म होता है ले, थर्ड फॉर्म होता है लेन. राइड मतलब होता है चढ़ना, सवारी करना. रोड, सेकेंड फॉर्म रोड होता है, थर्ड फॉर्म रिडन. सी देखना, सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, थर्ड फॉर्म सीन. सी, सॉ, सीन. स्पीक मतलब बोलना होता है, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन. स्टील होता है चुराना, सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टोल, थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन. स्वेयर शपथ लेना, सेकेंड फॉर्म होता है स्वोर, थर्ड फॉर्म होता है स्वॉन. टेक मतलब होता है लेना, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन. टेक, टुक, टेकन. टियर होता है फाड़ना, सेकेंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉन. थ्रो होता है फेंकना, सेकेंड फॉर्म थ्रो, थर्ड फॉर्म थ्रोन. वियर होता है पहनना, सेकेंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म वॉर्न. राइट होता है लिखना, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन. आगे देखते हैं दोस्तों. एब्यूज होता है गाली देना, एब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड. अक्यूज होता है किसी को अपराधी ठहराना, आरोप लगाना, सेकेंड फॉर्म होता है अक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म होता है अक्यूज्ड. एडिक्ट होता है लत पड़ना, सेकेंड फॉर्म होता है एडिक्टेड, थर्ड फॉर्म भी होता है एडिक्टेड. एडवाइस होता है सलाह देना, सेकेंड फॉर्म होता है एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है एडवाइज्ड. अलाउ अनुमति देना, अलाउड, अलाउड. आंसर उत्तर देना होता है, आंसर्ड, आंसर्ड. एग्री सहमत होना होता है, एग्रीड, एग्रीड. अपीयर दिखाई देना, प्रतीत होना, सेकेंड फॉर्म अपीयर्ड, थर्ड फॉर्म भी अपीयर्ड. अपॉइंट नियुक्त करना, सेकेंड फॉर्म अपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड. अराइव होता है पहुंचना, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड. अरेस्ट गिरफ्तार करना, सेकेंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड. आस्क होता है पूछना, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड. एक शब्द होता है ब्लीड, खून बहना, रक्त बहना. ये ब्लड से ही बना हुआ है, ब्लड से बना हुआ है. ब्लड होता है नाउन और जब उसे ब्लीड लिखते हैं तो वो हो जाता है वर्ब. सेकेंड फॉर्म होता है इसका ब्लैड, थर्ड फॉर्म भी होता है ब्लैड. ब्रिंग होता है लाना, ब्रॉट, ब्रॉट. बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ट, बिल्ट. बाथ मतलब नहाना, बाथ्ड, बाथ्ड. बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड. बैग मतलब होता है मांगना, बैग से ही बैगर बना हुआ है, भिखारी जैसे बोलते हैं. तो बैग का सेकंड फॉर्म होता है बैग्ड, थर्ड फॉर्म होता है बैग्ड. बोस्ट होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, सेकंड फॉर्म बोस्टेड, थर्ड फॉर्म बोस्टेड.
बोरो होता है उधार लेना, सेकंड फॉर्म होता है बोरोड, थर्ड फॉर्म भी होता है बोरोड। बॉइल मतलब होता है उबालना, सेकंड फॉर्म होता है बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म होता है बॉइल्ड। बर्न मतलब होता है जलना या जलाना, जैसे द फायर इज बर्निंग, आग जल रही है। बोल सकते हैं ही बर्नड हर, उसने उसे जला दिया, तो दोनों अर्थ देता है। सेकंड फॉर्म होता है बर्नड भी लिख देते हैं, बर्नड भी लिख देते हैं। उसी प्रकार थर्ड फॉर्म में बर्नड भी लिख सकते हैं, बर्नड भी लिख सकते हैं। कैच माने पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट। क्रीप होता है रेंगना, सेकंड फॉर्म होता है क्रैप्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्रैप्ड। क्रॉस होता है पार करना, सेकंड फॉर्म होता है क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है क्रॉस्ड, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड। कॉल होता है बुलाना या पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। कॉल माने फोन करना भी होता है। कैप्चर होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड। कलेक्ट होता है एकत्रित करना, सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म कलेक्टेड। चेंज होता है बदलना, सेकंड फॉर्म चेंज्ड, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। कॉपी मतलब नकल करना, सेकंड फॉर्म कॉपीड, थर्ड फॉर्म कॉपीड। कैरी मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म होता है कैरीड, थर्ड फॉर्म भी होता है कैरीड। केयर होता है परवाह करना, सेकंड फॉर्म होता है केयर्ड, थर्ड फॉर्म होता है केयर्ड। क्लीन होता है साफ करना, सेकंड फॉर्म होता है क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। क्लाइंब होता है चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, थर्ड फॉर्म क्लाइम्ड। क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड। कुक माने भोजन पकाना, कुक्ड कुक्ड। कंसील होता है छुपाना, सेकंड फॉर्म कंसील्ड, थर्ड फॉर्म भी कंसील्ड। कंफ्यूज होता है असमंजस में पड़ना, सेकंड फॉर्म होता है कंफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है कंफ्यूज्ड। कंसल्ट होता है सलाह मशवरा करना, कंसल्टेड कंसल्टेड। क्लियर होता है स्पष्ट कह देना, स्पष्ट कर देना कोई चीज़ को, सेकंड फॉर्म होता है क्लियर्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्लियर्ड। कंप्लीट होता है पूरा करना, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड। कंपेयर होता है तुलना करना, सेकंड फॉर्म कंपेयर्ड, थर्ड फॉर्म कंपेयर्ड। काउंट मतलब गिनना होता है, सेकंड फॉर्म काउंटेड, थर्ड फॉर्म काउंटेड। क्राई मतलब चिल्लाना होता है, सेकंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्राइड। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना, सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड। ड्रीम एक ऐसा शब्द है जो नाउन की तरह भी आता है और वर्ब की तरह भी आता है। जब ये नाउन की तरह आता है तो ड्रीम मतलब होता है सपना, लेकिन जब ये वर्ब की तरह आता है तो ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना। डाई मतलब होता है मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। डाइव मतलब गोता लगाना, सेकंड फॉर्म डाइव्ड, थर्ड फॉर्म डाइव्ड। डेयर होता है साहस करना, हिम्मत करना, सेकंड फॉर्म डेयर्ड, थर्ड फॉर्म डेयर्ड। डिफेंड होता है रक्षा करना, बचाना, सेकंड फॉर्म होता है डिफेंडेड, थर्ड फॉर्म होता है डिफेंडेड। डिफीट होता है हराना, सेकंड फॉर्म डिफीटेड, थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड। डेकोरेट होता है सजाना, सेकंड फॉर्म डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड। डिवाइड होता है बांटना, सेकंड फॉर्म डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म डिवाइडेड। एंटर होता है घुसना, प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड, थर्ड फॉर्म एंटर्ड। एस्केप मतलब बचना, सेकंड फॉर्म एस्केप्ड, थर्ड फॉर्म एस्केप्ड। अर्न होता है कमाना, सेकंड फॉर्म अर्नड, थर्ड फॉर्म अर्नड। फेल होता है असफल होना, सेकंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड। फियर मतलब होता है डरना, भयभीत होना, सेकंड फॉर्म फियर्ड, थर्ड फॉर्म फियर्ड। फिनिश होता है समाप्त करना, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फ्लोट होता है उतराना, सेकंड फॉर्म आता है फ्लोटेड, थर्ड फॉर्म आता है फ्लोटेड। फाइन, फाइन माने जुर्माना करना, सेकंड फॉर्म फाइंड, थर्ड फॉर्म फाइंड। जो फाइन होता है ना, जब वो नाउन बन के आता है तो फाइन मतलब आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, फाइन मतलब बढ़िया। लेकिन जब वो वर्ब बन के आता है तो जुर्माना करना। आगे कह रहे हैं फील, महसूस करना, सेकंड फॉर्म
felt, थर्ड फॉर्म felt. फेस, फेस मतलब होता है सामना करना, सेकेंड फॉर्म फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड. फेस शब्द जो है जब वो नाउन बन के आता है तो होता है चेहरा, और जब वो वर्ब बन के आता है तो वो होता है सामना करना. फाउंड होता है स्थापना करना, सेकेंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड. फ्ली मतलब होता है भागना, सेकेंड फॉर्म फ्लैड, थर्ड फॉर्म फ्लैड. ग्रांट होता है स्वीकार करना, सेकेंड फॉर्म होता है ग्रांटेड, थर्ड फॉर्म होता है ग्रांटेड. हैंग होता है फांसी देना, सेकेंड फॉर्म होता है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म होता है हैंग्ड. एक और हैंग होता है जिसका मतलब लटकाना होता है, इससे हैंगर बना हुआ है, हैंगर. तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है हंग, थर्ड फॉर्म भी होता है हंग. हेट मतलब नफरत करना, सेकेंड फॉर्म हेटेड, थर्ड फॉर्म हेटेड. हियर मतलब होता है सुनना, सेकेंड फॉर्म इसका हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म हर्ड होता है. इसमें ईडी नहीं, सिर्फ डी लगता है, हियर हर्ड हर्ड. हेल्प होता है सहायता करना, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. हायर होता है किराए पर लेना, सेकेंड फॉर्म हायर्ड, थर्ड फॉर्म हायर्ड. हंट होता है शिकार करना, सेकेंड फॉर्म हंटेड, थर्ड फॉर्म हंटेड. इंटेंड होता है इरादा करना, सेकेंड फॉर्म इंटेंडेड, थर्ड फॉर्म इंटेंडेड. इन्वाइट होता है निमंत्रण देना, सेकेंड फॉर्म होता है इन्वाइटेड, थर्ड फॉर्म होता है इन्वाइटेड. इंज्योर होता है चोट पहुंचाना या चोट लगना, सेकेंड फॉर्म होता है इंजर्ड, थर्ड फॉर्म होता है इंजर्ड. इंक्वायर होता है पूछताछ करना, सेकेंड फॉर्म इंक्वायर्ड, थर्ड फॉर्म भी इंक्वायर्ड. जंप होता है कूदना, सेकेंड फॉर्म होता है जंप्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है जंप्ड. ज्वाइन मतलब शामिल होना, सेकेंड फॉर्म होता है ज्वाइंट, थर्ड फॉर्म भी होता है ज्वाइन. कीप मतलब होता है रखना, सेकेंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट. किल मतलब होता है जान से मारना, सेकेंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड. निट होता है बुनना, सेकेंड फॉर्म होता है निटेड, थर्ड फॉर्म भी होता है निटेड. लर्न मतलब सीखना, सेकेंड फॉर्म लर्नड, थर्ड फॉर्म भी लर्नड. ये ईडी से भी बनता है, लर्नड लर्नड. लीड होता है मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना. लीड का सेकेंड फॉर्म लेड लेड. लैंड होता है उधार देना, सेकेंड फॉर्म लेंट, थर्ड फॉर्म लेंट. लीव मतलब होता है छोड़ना, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट. ले मतलब होता है रखना, सेकेंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड. लाई मतलब झूठ बोलना, सेकेंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड. लीन मतलब होता है झुकना, सेकेंड फॉर्म लीन्ड, थर्ड फॉर्म लीन्ड. लूज मतलब होता है खोना, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट. लिफ्ट मतलब होता है उठाना, सेकेंड फॉर्म लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड. लिफ्ट जब नाउन बनकर आता है तो वो लिफ्ट होता है, लेकिन वर्ब बन के आता है तो उसका मतलब होता है उठाना. लाइक होता है पसंद करना, सेकेंड फॉर्म लाइक्ड, थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड. लव होता है प्यार करना, सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म भी लव्ड. लिव मतलब होता है रहना, सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड. लुक मतलब होता है देखना, गौर से देखना, सेकेंड फॉर्म होता है लुक्ड, थर्ड फॉर्म होता है लुक्ड. मेक मतलब होता है बनाना, सेकेंड फॉर्म होता है मेड, थर्ड फॉर्म भी होता है मेड. मीट मतलब होता है मिलना, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट. मूव मतलब हिलना डुलना होता है, मूव योर बॉडी, गाना सुना होगा आपने मूव, तो सेकेंड फॉर्म मूव्ड, थर्ड फॉर्म मूव्ड. मीन मतलब होता है अर्थ होना, सेकेंड फॉर्म होता है मीन्ट, थर्ड फॉर्म होता है मीन्ट. मीन जब नाउन बनकर आता है तो मीन का मतलब नीच होता है, दोस्त नीच. लेकिन मीन जब वर्ब बनकर आता है तो उसका मतलब होता है अर्थ होना.
मेल्ट मतलब पिघलना, सेकंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड। नेम मतलब नाम रखना, सेकंड फॉर्म नेम्ड, थर्ड फॉर्म नेम्ड। नेम जब नाउन बनकर आता है तो नेम मतलब नाम, लेकिन जब ये वर्ब बनकर आता है तो नेम मतलब नाम रखना। ओपन मतलब होता है खोलना, सेकंड फॉर्म ओपेंड, थर्ड फॉर्म ओपेंड। ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, सेकंड फॉर्म ओबेड, थर्ड फॉर्म ओबेड। ऑब्स्टेन होता है प्राप्त करना, थर्ड फॉर्म सॉरी ऑप्टेन, ऑप्टेन होता है प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म ऑप्टेंड, थर्ड फॉर्म ऑप्टेंड। ऑर्डर आदेश देना, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अपोज विरोध करना, अपोज्ड, अपोज्ड। पुश धक्का देना, पुश्ड, पुश्ड। पे चुकाना, पे करना, सेकंड फॉर्म पेड, थर्ड फॉर्म पेड। पास गुजरना मतलब कहीं से निकलना, पास्ड, पास्ड। परमिट अनुमति देना, परमिटेड, परमिटेड। प्ले खेलना, प्लेड, प्लेड। प्रे प्रार्थना करना, प्रेड, प्रेड। प्रीच उपदेश देना, प्रीच्ड, प्रीच्ड। प्रेफर अधिक पसंद करना, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। प्रेज प्रशंसा करना, प्रेज्ड, प्रेज्ड। प्रेजेंट उपहार देना, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। तो देखिए प्रेजेंट जब नाउन बनकर आता है तो प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, है ना। लेकिन प्रेजेंट वर्ब बनकर आता है तो उपहार देने से मतलब है। आगे कह रहे हैं प्रिवेंट रोकना, सेकंड फॉर्म प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। प्रूफ सिद्ध करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड। प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। पनिश दंड देना, पनिश्ड, पनिश्ड। प्रिपेयर तैयार, तैयार करना, तैयारी करना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। पार्डन माफी मांगना, पार्डन्ड, पार्डन्ड। प्लक फूल पत्ती या फल तोड़ना, प्लग्ड, प्लग्ड। पब्लिश प्रकाशित करना, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। प्लांट पौधा लगाना, प्लांटेड, प्लांटेड। देखिए प्लांट जब नाउन बनकर आता है तो उसका मतलब पौधा होता है, लेकिन जब वो वर्ब बनकर आता है तो प्लांट मतलब पौधा लगाना। पुल होता है खींचना, पुल्ड, पुल्ड। प्लॉ जोतना, हल जोतना खेत के अंदर, प्लॉड, प्लॉड। क्विट छोड़ देना, क्विटेड, क्विटेड, या फिर क्विट, क्विट, क्विट भी लिखते हैं। रीड रेड, रेड पढ़ना होता है। रॉब लूटना, रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड। रेज रेज योर हैंड, टीचर बोलते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, मतलब उठाना, तो रेज, रेज्ड, रेज्ड। रेन होता है बारिश होना, रेंड, रेंड। देखिए रेन जब नाउन होता है तो रेन मतलब बारिश, लेकिन जब ये वर्ब बन जाता है तो रेन मतलब हो जाता है बारिश होना। रिसीव होता है प्राप्त करना, रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिप्लाई होता है उत्तर देना, रिप्लाइड, रिप्लाइड। रिटर्न होता है लौटना, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। रिफ्यूज होता है मना करना, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। सेंड होता है भेजना, सेंट, सेंट। से होता है कहना, सैड, सैड। स्पेंड होता है खर्च करना, स्पेंट, स्पेंट। सीक होता है तलाश करना, शॉट, शॉट। शूट होता है गोली मारना या फिर कैमरे से शूट करना, शॉट, शॉट। सीज जब्त करना, सीज्ड, सीज्ड। स्लीप होता है सोना, स्लैप्ड, स्लैप्ड। स्पिट होता है थूकना, स्पैट, स्पैट। सेल होता है बेचना, सोल्ड, सोल्ड। स्मेल होता है सूंघना, स्मेल्ट, स्मेल्ट। ईडी से भी बना लेते हैं, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। स्पॉइल होता है बर्बाद करना, बिगाड़ देना, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। ये भी टी से बन जाता है, स्पॉइल, स्पॉइल्ट, स्पॉइल्ट। स्वीप होता है झाड़ू लगाना, स्वैप्ट, स्वैप्ट। सेव होता है बचाना, बचत करना या किसी की जान बचाना, इस तरह से सेव्ड, सेव्ड। सो बोना होता है सोड, सोड। सर्च होता है तलाश करना, सर्च्ड, सर्च्ड। सीम होता है प्रतीत होना, सीम्ड, सीम्ड। सर्व होता है सेवा करना, सर्व्ड, सर्व्ड। सेलेक्ट होता है चुनना, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। शेप दाढ़ी बनाना, शेप्ड, शेप्ड। स्लिप फिसलना, स्लिप्ड, स्लिप्ड। स्माइल मुस्कुराना,
स्माइल्ड स्माइल्ड, सॉल्व हल करना सॉल्व्ड सॉल्व्ड, स्टार्ट शुरू करना स्टार्टेड स्टार्टेड, सक्सीड सफल होना सक्सीडेड सक्सीडेड, स्टॉप भूख से मरना भूखा मरना स्टॉप्ड स्टॉप्ड, स्टडी अध्ययन करना स्टडीड स्टडीड, सफर कष्ट उठाना सफर्ड सफर्ड, स्टॉप रुकना स्टॉप्ड स्टॉप्ड, स्टे ठहरना स्टेड स्टेड, ट्रीट व्यवहार करना ट्रीटेड ट्रीटेड, ट्रीट माने इलाज करना भी होता है, टॉक बात करना टॉक्ड टॉक्ड, टीच पढ़ाना सिखाना टॉट टॉट, थिंक सोचना थॉट थॉट, टेल बताना टोल्ड टोल्ड, टेस्ट चखना होता है टेस्टेड टेस्टेड, तो टेस्ट जब नाउन बनकर आता है तो स्वाद होता है, लेकिन टेस्ट जब वर्ब बनकर आता है तो चखना हो जाता है, ट्रैवल यात्रा करना ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड, थैंक धन्यवाद देना थैंक्ड थैंक्ड, ट्रस्ट विश्वास करना ट्रस्टेड ट्रस्टेड, वैनिस गायब होना वैनिस्ड वैनिस्ड, वेरी बदलना वेरीड वेरीड, वेरीफाई करना सिद्ध करना प्रूफ करना वेरीफाइड वेरीफाइड, विजिट देखने जाना विजिटेड विजिटेड, वॉक चलना टहलना वॉक्ड वॉक्ड, वेट इंतजार करना वेटेड वेटेड, वांट चाहना इच्छा करना वांटेड वांटेड, वीप रोना वेप्ट वेप्ट, वर्क काम करना वर्क्ड वर्क्ड, विश इच्छा करना विज्ड विज्ड, यॉन जमाई लेना यॉन्ड यॉन्ड। कुछ और वर्ब देखते हैं, बस्ट होता है फटना, ये सेम ही रहता है, बस्ट बस्ट बस्ट, तीनों फॉर्म सेम रहता है, कट होता है काटना, तीनों फॉर्म सेम रहता है कट कट कट, पुट रखना पुट पुट पुट, स्प्रेड फैलाना स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड,